हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच मैं क्लास 12th दी जिहड़ी कि फाइनल एग्जाम दी सैकंड टर्म दी डेट शीट तुहाडे नाल शेयर कर रही हां, जो कि रिवाइज्ड होके आई है। तो हुण कदों तुहाडे एग्जाम स्टार्ट ने, कदों तक ने, किस डेट नूं तुहाडा किहड़ा एग्जाम होगा, वह सारी जानकारी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हां। तो जिहड़े कि तुहाडे एग्जाम ने हुण 22 अप्रैल तो स्टार्ट होंगे, 22 अप्रैल तो स्टार्ट होंगे तुहाडे हुण एग्जाम, जो कि पहलां होणे सी इह 7 तों, हुण इह 22 अप्रैल तो स्टार्ट होंगे। तो जी टाइमिंग आ वह दुपहरे 2 बजे शुरू होगी, ठीक है। तुहाडा एग्जाम आ जिहड़ी कि 2 बजे शुरू होया करूगा। दैन उस तो बाद ये वाली जिहड़ी कि डेट शीट है, ये समेत ओपन, मतलब कि जिहड़े रैगूलर कैंडीडेट ने उन्हां दी भी डेट शीट है, तो इस तो अलावा ओपन स्टूडेंट ने जिहड़े उन्हां दी भी डेट शीट है। इस तो अलावा कोई एक्सट्रा मतलब कि एडिशनल एग्जाम दे रहा तो उन्हां दी भी यही डेट शीट है। तो अगर कोई रीपेयर वाला ओपन रीपेयर वाला तो उसका भी जिहड़े कि ये सारी ये डेट शीट है उन्होंने भी। हाँ जी डेट शीट है जिहड़ी कि ये ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, साइंस ग्रुप, तो कमर्स ग्रुप, तो एग्रीकल्चर ग्रुप, चारा ग्रुपां दी डेट शीट है। तो फस्ट जो एग्जाम आ जो 22 अप्रैल नूं स्टार्ट हो रहा, 22 अप्रैल नूं शुक्रवार को जो तुहाडी प्रीख्या स्टार्ट हो रही है, इस दिन जिहड़ी कि फस्ट तुहाडा एग्जाम आ होम साइंस का। जिन्हां स्टूडेंट्स ने होम साइंस रखी हुई है तो उन्हां दा एग्जाम होगा 22 अप्रैल तो। दैन उस तो बाद 25 अप्रैल नूं जिहड़े कि हैगा सोमवार नूं म्यूजिकल वोकल का एग्जाम है। दैन उस तो बाद 26 अप्रैल नूं हैगा फिलोसफी, जिन्हां स्टूडेंट ने फिलोसफी रखी हुई उन्हां दा एग्जाम है। इस तो अलावा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन्हां वालों का, तो केवल कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स ने उन्हां लई ये एग्जाम होगा। तो इस तो अलावा ज्योमैट्रिकल प्रोस्पेक्टिव एंड एग्री आर्किटेक्चर ड्रॉइंग उन्हां दा वाला, तो हिस्टरी एंड एप्रीशिएशन ऑफ आर्ट्स अकाउंटेंसी इन वालों के जिहड़े कि वह इन्हां दे एग्जाम होणगे। तो कमर्स ग्रुप दे विच जिहड़े कि अकाउंट का एग्जाम होगा। दैन उस तो बाद 27 तरीक नूं जिहड़े कि 27 अप्रैल नूं एग्जाम आ संस्कृत का, बिजनेस, तो ये भी जिहड़े कि रीपेयर वाले स्टूडेंट के लिए है। दैन साइकोलॉजी तो गुरमत संगीत। दैन उस तो बाद 28 नूं जिहड़े कि NSQF ए विषय वाले दे एग्जाम ने, तुसीं देख सकते भी किहड़े किहड़े ने, ये NSQF विषय ने जिहड़े उन्हां वाले दे एग्जाम ने 28 तरीक नूं। दैन उस तो बाद 29 तरीक नूं हैगा पंजाबी चोणवी, जिन्हां कोल पंजाबी इलैक्टिव है जां हिंदी इलैक्टिव है, लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर है जां उर्दू है, उन्हां दे एग्जाम ने 29 अप्रैल तो, 29 अप्रैल तो जिहड़े कि स्टार्ट होणगे उन्हां दे। ते बाकी म्यूजिकल जिहड़ा कि तबला ओह 30 अप्रैल नूं है। दैन उस तो बाद 2 मई नूं, 2 मई नूं हैगा डांस का, डिफेंस स्टडी एग्रीकल्चर वाले का, तो 4 मई नूं हैगा जोग्राफी। दैन तुसीं बाकी भी ए वाले ग्रुपां च भी देख सकते हो डेट शीट भी किने किने दी है। दैन उस तो बाद है अगे 5 मई नूं हैगा सोशोलॉजी का एग्जाम आ, 5 मई नूं सोशोलॉजी का एग्जाम आ। तो जिहड़ा इंग्लिश का एग्जाम है वह हैगा 6 मई नूं, 6 मई नूं हैगा इंग्लिश का एग्जाम। तो उपर वाले जो विषय से तो मतलब कि जिस कैंडीडेट ने रखे हुए थे उही उन्होंने वास्ते सी, तो जिहड़ा इंग्लिश का ये ऑल कैंडीडेट्स के लिए हुंदा, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला जिहड़ा कि एग्जाम हैगा इंग्लिश का जनरल इंग्लिश, ये हैगा 6 मई नूं, 6 मई नूं जिहड़े कि एग्जाम है शुक्रवार नूं सारे ग्रुप्स का उस दिन ही। दैन उस तो बाद इकनोमिक्स का है, इकनोमिक्स का हैगा 7 मई नूं, इकनोमिक्स के विच छुट्टी नहीं है, मतलब कि 6 तो बाद दैन ही 7 नूं एग्जाम है इकनोमिक्स का। तो हिस्टरी का हैगा 9 मई नूं जिहड़ा कि हैगा हिस्टरी का एग्जाम सोमवार नूं। तो इधर कमिस्ट्री है, बिजनेस है एंड ओवल, दैन उस तो बाद कमिस्ट्री वाला। उस तो अगे हैगा 10 मई नूं हैगा जिहड़े कि जनरल पंजाबी, जनरल इंग्लिश हैगा 6 मई नूं, तो 10 मई नूं हैगा जनरल पंजाबी, पंजाबी लाजमी, ये भी सारे ग्रुप्स का होगा, सारे ग्रुप्स का जिहड़े कि एग्जाम हैगा वह 10 मई नूं है। दैन उस तो बाद 11 मई नूं वातावरण, ये भी सारे ग्रुप्स के लिए सेम वातावरण का हैगा 11 मई नूं। दैन 12 मई नूं हैगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी सारे का कंप्यूटर एप्लीकेशन का 12 मई नूं है। दैन उस तो बाद हैगा 13 मई नूं हैगा रिलीजन का। इस तो अलावा जिन्हें कोल म्यूजिक
ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚ ਆ, ਜਰਮਨ ਆ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 13 ਨੂੰ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਜਿਕਸ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫਿਜਿਕਸ ਦਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ 17-5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਪਸ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗਾ 19-5 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਐਡ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗਾ 20 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਣਿਤ, ਗਣਿਤ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈਗਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਗਣਿਤ ਦਾ, ਮੈਥ ਦਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ 22 ਮਈ ਤੋਂ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਨੇ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ।